हेलो गाइस, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में मिनी गार्डन 1-2-3। तो आइए शुरू करें वीडियो। आज बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में बात करेंगे, गंधराज प्लांट के बारे में बात करेंगे। ऐसे तो इसका बहुत सारा नाम है, जैसे कैप जैस्मिन प्लांट, चंदनी फ्लावर प्लांट, गंधराज प्लांट, फ्लावर प्लांट और आनंद खुशबू प्लांट से भी जाना जाता है, और गार्डनिया प्लांट से भी जाना जाता है। ऐसे तो ज़्यादातर इसको जो है कैप जैस्मिन प्लांट बोला जाता है। और आप लोग क्या बोलते हैं, कमेंट ज़रूर करें वीडियो में। और इसको किस तरह से लगाना है, कैसे लगाना चाहिए, वो सारा जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। इसको किस तरह से लगाना चाहिए, कैसे लगाना है, इसको कटिंग से भी आप एक टहनी है उनको भी आप तोड़ के अगर आप पॉट में या कार्टून में लगाते हैं तो वो उससे भी आप पौधा निकाल सकते हैं। बस निकालने का तरीका है, जैसे इसमें हम तो लगाते हैं हाफ इंच पहले पॉट में देते हैं बालू देने के बाद गोबर और मिट्टी मिक्स करके लगाते हैं। और इसमें और भी लगाने का तरीका है, धान का भूसा और टूस जिसको बोला जाता है, नीम की खली, सरसों की खली, ये सब मिक्स करके आप पौधा ज़रूर लगाएंगे तो आप अच्छा खासा ग्रो करता है। अच्छा उस तरह से ही भी लगा सकते हैं, ऐसे तो हम लगाते हैं गोबर और मिट्टी मिक्स करके लगाते हैं। और इसमें हर 6 मंथ में जो है अगर हम लगाते हैं, लगाने के बाद ग्रो करने के बाद फ्लावर वगैरह आ जाने के बाद, तो हर 6 मंथ में इसमें हम चेंज करते हैं पॉट से, चेंज करके जो है फिर से हम जो है वही गोबर और मिट्टी मिक्स करके फिर से लगाते हैं। इस तरह से लगाएंगे तो अच्छा खासा ग्रो करेगा। और गार्डन में करते हैं तो इस तरह से ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। और किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो हमारे वीडियो में कॉमेंट कर सकते हैं। और इस तरह से लगाना है, और इसमें सालों साल फ्लावर्स आपको दिखेगा मोगरा के तरह। इस तरह से लगाना है जैसे बताएं, और हाफ इंच बालू देने के बाद गोबर मिट्टी मिक्स करके और नीम की खली, सरसों की खली, ये सब दीजिएगा तो और ज़्यादा फायदा करता है। थैंक यू।